लैंड के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको ये बहुत कम मिलता होगा देखने के लिए। ये देखो, ये आज मैं आप इस प्लांट का नाम मदर ऑफ थाउजेंड है। तो ये आप देख रहे होंगे कि मेरे इस प्लांट में ये देखो पब्स निकल रहे हैं पत्ती में से, लीव में से। देखो ये छोटे छोटे निकल रहे हैं ना, बारीक बारीक। ये देखो ये बारीक बारीक निकल रहे हैं ना पब्स। ये क्या है गाइस, ये जो आप एक प्लांट अगर लेके आओगे और नर्सरी से, या नर्सरी से भी नहीं लाओगे तो एक पत्ती भी किसी से ले आओगे ना आप, अपने कजन के यहाँ से या पार्क में से या कहीं भी से भी, तो ये क्या है कि पत्ती में से ही ग्रो हो जाता है ये वाला प्लांट है। अब ये, और इसमें जब ये ग्रो होता है, थोड़ा लंबा तो है इसका प्रोसीजर पर, लेकिन हाँ कारगर है ज़रूर। ये देखो आप पत्ती में से ग्रो होके फिर ये बच्चे निकलते हैं इसके छोटे छोटे बारीक बारीक, ये आप देख रहे होंगे मेरे इस प्लांट में भी धीरे धीरे आ रहे हैं, ये देखो। और ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये पब जो है अपने आप झड़ते रहते हैं, और वही बच्चे इसमें मिट्टी में आपके पॉट में बड़े होके प्लांट बनते रहते हैं। तो उससे हमें ये फ़ायदा है इसको लगाने से कि हम एक ही पॉट से कई सारे पॉट तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारा देखने में बहुत सुंदर लगेगा, प्यारा लगेगा। और ये देखो इसकी एक और मैं आपको इसकी सन की बात बताऊं, तो इसकी सन, अगर आप सन में रखोगे इसको तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। ये जैसे कि रेड कलर का हो जाएगा कुछ, तो कुछ ब्राउन कलर में आ जाएगा है। और अगर आपको ये ग्रीन ही रखना है तो ये आपको सेमी शेड में रखना होगा, जो कि सेमी शेड में अगर आप रखोगे तो ये प्योर ग्रीन ऐसे रहेगा। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है हमारा ये प्लांट। ये जब मैं लेके आई थी नर्सरी से तो एक पत्ती का ही था प्लांट था, छोटा सा बच्चा जिसको कहते हैं। अब ये धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो गया है, और ये देखो इसमें से पब्स भी निकल रहे हैं बच्चे इसके छोटे छोटे बारीक बारीक से। तो धूप की तो हमने ही ये बात की, अब हम इसके पानी की बात करें तो पानी इसको जब भी देना है जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए। ये आपको मैंने बताया है और वीडियो में भी, और अब भी बता रही हूँ कि टूल की सहायता से या फिंगर की सहायता से आप चेक करके तभी इसमें पानी देना है हमें, कि जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए। और अब हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसमें 2% हमें, जैसे कि 40% तो हमें देना है रेत बालू, और 1% गार्डन सोयल, और 1% इसमें डालना है हमें काउडन, या फिर थोड़ी सी हम चाहें तो नीम ग्लू भी डाल सकते हैं जिससे कि इसके अंदर फंगस न लगे। फंगस इसलिए कि क्योंकि ये वैसा प्लांट है हमारा सैक्यूलेंट वाला, इसमें फंगस का ज़्यादा खतरा रहता है, तो इसलिए। अब मिट्टी की तो ये बात हुई, और पानी की मैंने आपको बताई है, तो ये आप देखो ये लेके आएंगे प्लांट तो आपके लिए बहुत, और अच्छा ये भी जो क्या है हवा को प्योरीफायर करता है है, और अपना डेकोरेट के लिए भी इसको भी हम कहीं भी रख सकते हैं, लिविंग रूम में, बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, कहीं भी हम इसको इस जगह दे सकते हैं है। वहीं आपको ये देखोगे तो कितना सुंदर लगेगा। और देखो इसके फायदे कितने हैं कि इसी एक प्लांट से हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आप ये देखोगे, देखो इसमें ये पत्तियाँ गिर गई है, इसके पब्स गिर गए हैं। अब देखो इसके धीरे धीरे ये देखो पब्स जो हैं वो जब जम जाएंगे तो धीरे धीरे इसी प्लांट के की शेप ले लेंगे। देखो आपको ये दिख रहा होगा बारीक बारीक छोटे छोटे पब झड़ के ना, ये अपने आप ही गिर जाते हैं। इसीलिए क्या है, इसका थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है, इस प्लांट को आप जहाँ भी लगाएं वहाँ लगाएं कि जहाँ ये अकेला एक पॉट में ही रहे, क्योंकि अगर इसके आप और किसी के प्लांट के पास रखोगे तो इसके पब्स जो हैं वो वहाँ भी झड़ जाएंगे, पता चलेगा वो उस मिट्टी में भी निकल जाएंगे प्लांट। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इसको अपने घर में स्पेस दें और इसको लेकर आएं, तो आप देखोगे आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में 4 चांद लग जाएंगे, और आप ये खुद सोचोगे कि हमने कितना अच्छा करा था ये प्लांट अपने घर में ऐड। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत।